हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सिंगर का डमी लेकर के। अगर आपने सिंगर का डमी ले लिया है, क्लिक पे लिया है या फिर एक छोटा सा बीट बना के उस पर लिया है, तो फुल ट्रैक मिक्सिंग कैसे कर सकते हैं, नया ट्रैक पे वोकल की मिक्सिंग कैसे करेंगे, वो आज इस वीडियो में बताने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने वोकल में भी कोई इफेक्ट नहीं लगाया हूँ, थोड़ा सा इसका गेन लेवल बढ़ाया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं 6 dB किया हूँ और कोई भी इफेक्ट नहीं लगा है। और यहाँ पर नीचे सबसे देख सकते हैं ये हमारा 90 इसका टेम्पो है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसको बिना इफेक्ट के सुना देता हूँ, फिर मैं इसमें इफेक्ट लगा के आपको बताऊँगा, फिर न्यू ट्रैक मिक्सिंग करके बताऊँगा। जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। तो दोस्तों ये हमारा ओकल है, सिंपल ओकल। तो चलिए इसमें हम आपको इफेक्ट लगा के बताते हैं कि कौन सा इफेक्ट आपको इसमें यूज करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्टीरियो डिले हम यहाँ पे ले लिए हैं और यहाँ पे प्रेसेट बहुत सारा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्वीट ओकल डिले आपको यूज करना है और इसमें कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। फिर उसके बाद में दोस्तों ये आपको आ जाना है यहाँ पे रिवर्ब में, रिवर्ब ए आपको यूज कर देना है। इसका यहाँ पर रखना है 20 से या 25 से नीचे ही रखना है, डाउन ही रखना है। ज़्यादा अगर करेंगे तो इसका जो गूंज है काफ़ी ज़्यादा सुनाई देगा। यहाँ पर देख सकते हैं रूम साइज, यानी कि जो हमारा वापस जो आकर सुनाई देता है कानों में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 70 से 75 कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हम डायनामैक्स में आएंगे, तो डायनामैक्स में आप कंप्रेसर यूज कीजिए। कंप्रेसर में आने के बाद में सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं डांस मास्टर, काफ़ी अच्छा इसका प्रेसेट है। और इसका देख सकते हैं रेशियो थोड़ा सा हम अप कर देंगे, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर करेंगे और यहाँ पर थ्रेशोल्ड जितना है उतना ही रखेंगे। फिर उसके बाद में आप सुन सकते हैं, जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव। तो काफ़ी अच्छा इतना वोकल लग रहा है। और फिर यहाँ पे हम लगाएंगे डायनामैक्स में आएंगे, डायनामैक्स में आएंगे, फिर मोर प्लगिन्स पे जाएंगे और यहाँ पे हम देखेंगे आरोक्स मोनो, काफ़ी अच्छा वेव का प्लगिन्स है, इसको हम यूज करेंगे। इससे भी थोड़ा सा क्वालिटी आपका आवाज़ का बढ़ जाता है। 25 यहाँ पे देखते हैं 25 dB कंप्रेसर यूज करना है। जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव। इसका जो गेन लेवल है आपको अपने अनुसार कम कर देना है, -4 या 5 करना है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो कंप्रेसर है -10 कर देना है। फिर यहाँ से आपको कट कर देना है और उसके बाद में यहाँ पे हम थोड़ा सा इक्यू करेंगे, मिड टू को हम थोड़ा सा हाई करेंगे, इसको थोड़ा सा लो करेंगे। और ये लो हमारा है फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद में फिर उसके बाद में जो हमारा ये हाई फ्रीक्वेंसी, इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर करेंगे। तो इसको सबसे पहले हम सुन लेते हैं। जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव। तो दोस्तों हमारा परफेक्ट बज रहा है। अब इसमें हम कोई भी इफेक्ट नहीं लगाएंगे, बस यहाँ पे हम एक एफएक्स चैनल बनाएंगे, यहाँ पे स्टूडियो करेंगे, एफएक्स के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम ले लेंगे एक रिवर में जाएंगे, रूम वर्क SE, काफ़ी अच्छा प्लगिन्स है, इससे आपका वोकल भी और अच्छा बन जाता है। इसका हम आउटपुट कर देंगे, आउटपुट इसका हम स्टूडियो आउट, इसको हम कर देंगे 0 dB, 0 dB इसका कर देंगे स्टूडियो आउट। और फिर यहाँ से जो हम इफ़ेक्ट लिए थे यहाँ पे देख सकते हैं, और इसका प्रेसेट हम यहाँ पे देखेंगे स्मूथ वॉइस रूम, काफ़ी अच्छा है प्लगिन से, Cubase 5 का प्लगिन से। इसको रखेंगे 20 और रिवर्ब टाइम, यानी कि रिवर्ब टाइम आपका कितना रहेगा, 1 सेकेंड या 2 सेकेंड पे, तो हम 1 सेकेंड के लिए किए हैं, इसको हम थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं। जय शिव ओमकारा, प्रभु जय शिव ओमकारा। तो काफ़ी अच्छा क्वालिटी है। अब यहाँ पे दोस्तों हम एक इसमें जो भजन गाने का जो ट्रैक होता है वो इसमें हम ऐड करेंगे। ये हमारा है भजन गाने का थोड़ा सा एक, जय शिव ओमकारा, प्रभु जय।
तो दोस्तों काफ़ी अच्छे से मैच कर रहा है, इसको आप यहाँ पे पूरे में कर दीजिए जितना आपका ओकल है, और फिर बीच में कट भी लगाना है। तो कट कौन सा लगाना है अभी मैं आपको बता दूंगा। जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। तो दोस्तों वहाँ पे जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका एक कट शिव ओंकारा, यहाँ पे हमारा एक कट लगेगा। तो यहाँ से हम इसको, जहाँ से ओकल स्टार्ट होता है दोबारा, वहाँ से हम कट कर दिए हैं, और यहाँ से दूसरा लूप लगाएंगे इसमें। ये वाला लूप काफ़ी बढ़िया है। तो चलिए इसको यहाँ से सुन लेते हैं। अर्धांगी धारा, ओम जय शिव ओंकारा, एकानंद चतुरानंद पंचानन राजे, हो शिव पंचानंद राजे, अनुशासन गुरु दासम, हंसासन गुरुड़ासन, मृगयासन सो है। ओम जय शिव ओंकारा। तो दोस्तों दूसरा कट हमारा यहां से लगता है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। तो ये वाला हम कट लगाएंगे यहाँ से, देख सकते हैं, और यहाँ से जो फालतू का है इसको हम कट कर देंगे यहाँ से। इतना हम यहाँ पे कट कर दिए हैं, और ये हमारा ओकल भी था उसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा कट कर दिए हैं, देख सकते हैं। इतना जो फालतू का था कट कर दिए, फिर इसको आगे हम जोड़ दिए हैं, तो अब ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे बन चुका है। ओम जय शिव ओंकारा, दुई भुज चार चतुर भुज। तो दोस्तों इस तरह से आप न्यू ट्रैक की मिक्सिंग कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको करके बताया हूँ। इसमें जो जो इफ़ेक्ट लगाया हूँ आप अपने गानों में इस तरह से इफ़ेक्ट लगा सकते हैं। जितना डिले देना चाहते हैं डिले दे सकते हैं, रिवर्ब जितना देना चाहते हैं रिवर्ब दे सकते हैं, और यहाँ पे कट कैसे लगाना मैंने अभी आपको बता दिया हूँ। दोस्तों ये बना बनाया हुआ लूप्स है। अगर आप एक न्यू ट्रैक बनाना चाहते हैं तो नया रिदम आप इसमें ऐड कर सकते हैं, अपना खुद का यहाँ पर नया ट्रैक बना सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पे बना बनाया हुआ भजन गाने का एक लूप्स था, तो उसी को मैंने जोड़ करके एक न्यू ट्रैक यहाँ पे कंप्लीट कर दिया हूँ। तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों पूरी तरीके से कंप्लीट है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे एक बार और सुना देते हैं इसको। तो यहाँ पे हमारा कट यहाँ पे भी लग चुका है, दो तरह से लगाया हूँ, पूरे में आप इसको बना सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा बताया हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। जय शिव ओंकारा, प्रभु जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानंद। तो दोस्तों इस तरह से हम न्यू ट्रैक बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोर दबाएं, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और आप उस वीडियो को देख करके ओकल मिक्सिंग मास्टरिंग ट्रैक बनाना आप सीख सकें।